सभी का आपके अपने चैनल आरपीएस समाचार में। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की कुछ खास खबरों के साथ। वृंदावन के बाढ़ ग्रस्त इलाकों का सीएम योगी ने किया हवाई सर्वेक्षण, अधिकारियों से राहत कार्यों में तेजी लाने का दिया निर्देश। सीएम योगी आदित्यनाथ बुधवार की दोपहर मथुरा जनपद के वृंदावन पहुंचे। यहां पवन हंस हेलीपैड पर हेलीकॉप्टर से उतरने के बाद सीएम का काफिला वृंदावन स्थित अस्पताल परिसर में पहुंचा। यहां अस्पताल में अत्याधुनिक उपकरण से लैश मशीन का उद्घाटन किया। इसके बाद सीएम जिले में बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का हवाई निरीक्षण किया। सीएम योगी आदित्यनाथ सबसे पहले रामकृष्ण मिशन अस्पताल में पहुंचकर पीईटी सिटी स्कैन मशीन का उद्घाटन किया और साधु और संतों से मुलाकात की। साधु और संतों को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि नर सेवा ही नारायण सेवा है। अगर मनुष्य को समय पर स्वास्थ्य चिकित्सा का लाभ मिल जाए तो उसका जीवन बच सकता है। रामकृष्ण मिशन अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हैं। वृंदावन दिन प्रतिदिन प्रगति के मार्ग पर उन्नत हो रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने वहां से बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई दौरा किया। साथ ही तटीय स्थानों पर पानी भर जाने के कारण गरीब असहाय लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के निर्देश दिया। अधिकारियों को निर्देश दिया कि समय समय पर सभी लोगों को खाने पीने की चीजें मुहैया कराई जाए। इसके अलावा चिकित्सा व्यवस्था पर बेहतर ध्यान दिया जाए। बता दें कि हथनी कुंड बैराज से लगातार पानी छोड़े जाने के बाद यमुना नदी उफान पर है, जिसकी वजह से तटीय इलाकों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मिलते हैं इसी प्रकार की अगली बड़ी खबर में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आरपीएस समाचार।